एकेटीयू के आईईटी जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उसने इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। उसको लेकर कि किन किन छात्रों का फाइनल शेड्यूल आया है और किन छात्रों का एग्जाम से पहले 29 जुलाई को था एकेटीयू का, लेकिन अब आईईटी ने जो शेड्यूल रिलीज किया है उसमें एग्जाम्स कब होगा यानी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फाइनल शेड्यूल एग्जामिनेशन को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। उसके अलावा एग्जाम्स कब से होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर बैक टू बैक। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी आज की ऑफिशियल अपडेट। एकेटीयू के जो आईटी ऑटोनॉमस कॉलेज उसने फाइनल इवेंट सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जारी किया है। मैं भी आपको पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल भी दिखाऊंगा, पहले नोटिस पढ़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। कैसे फाइनल शेड्यूल थ्योरी एग्जामिनेशन शेड्यूल 2022 बीटेक सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर, उसका एमबीए सेकंड सेमेस्टर, एमसीए सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर और एमटेक सेकंड सेमेस्टर, प्री पीएचडी रेगुलर कैरियर जो स्टूडेंट है उनको लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए करते हैं, अब आपको बता दें टाइम टेबल को लेकर क्या है पूरी टाइम टेबल, किस किस जो है किसका एग्जाम्स किस डेट में होगा और कौन से कितने बजे होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किन किन छात्रों के लिए है, यहाँ से देखिए फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बीटेक सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, उसके अलावा बीटेक के साथ साथ एमबीए का एमबीए सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर, उसके अलावा यहाँ पर एमटेक सेकंड और फिर पीएचडी। ठीक है, जो सब कुछ आप पूरा नोटिस देख लीजिए, मैं इसका जो पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल दूंगा वहाँ से आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑफलाइन मोड विद द पेन पेपर इन द एग्जामिनेशन हेल्ड से हॉल्स ऑफ द स्टूडेंट, उसके अलावा ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी सब्जेक्टिव होगा, थ्योरी होगा और 3 आवर्स का होगा। और उसके बाद आगे मेंशन शेड्यूल ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रेगुलर कैलिबर शेल बी नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि 12 से 17 के बीच में आपका जो है क्या होगा प्रैक्टिकल होगा, उसको लेकर जो है आपको बताया जाएगा कॉलेज में जो आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें एडिशनल कैरी पेपर जो होते हैं, अब पहले मैं आपको जो आपका कन्फर्म हो जो आपका कन्फ्यूज हो उसको डाउट कर दूँ कि कई सारे छात्र सोचते होंगे कि आखिर कौन सा शेड्यूल है किस कॉलेज का। देखिए दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि आईटी अपना शेड्यूल अलग जारी करता है और एकेटीयू अपना शेड्यूल अलग जारी, तो ये आईटी का है और एकेटीयू का ही जो कॉलेज है, लेकिन एकेटीयू से इसका थोड़ा हट के रहता है क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि वो जब चाहे एग्ज़ाम करवा ले, जब चाहे अपना जो है एग्ज़ाम के साथ साथ जो सिलेबस अपना चेंज भी कर सकता है। और उसके लेकिन केवल यही डिफरेंस होता है कि डिग्री सेम होती है, बाकी सारी चीज़ें वो चाहे तो सेम करे डिफरेंस करे, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है ऑटोनॉमस कॉलेज। तो आईआईटी ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसका शेड्यूल अलग जारी होता है, तो इसने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। यहाँ से देखिए डेट मेंशन है कि अगर हम बात करें एडिशनल कैरी जिसमें आपको प्रोफेशनल पीसी वगैरह आता है, तो पीसी वगैरह बीटेक के स्टूडेंट है, कैरीवर है जिसको KS 204 पीसी और इलेक्ट्रोमैटिक जिसे हम EFT कहते हैं, मैथमेटिक थर्ड कहते हैं, उनका एग्ज़ाम 1 अगस्त से होगा, 1 अगस्त 1-3-5 को होगा, यानी कि पीसी का 1 को है और EFT का 3 को है, मैथ का 5 अगस्त को है। उसके अलावा बीटेक का बात करें सेकंड सेमेस्टर की, तो बीटेक सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 30 जुलाई से स्टार्ट होगा, इसमें M2 30 जुलाई को है। उसके अलावा 1 अगस्त को आपका AI है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर सब दिया गया है। तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी 30 जुलाई से स्टार्ट है। उसके बाद अगर बात करें आगे अगर यहाँ पे आप आते हैं एम टेक का एग्ज़ाम भी 30 जुलाई से स्टार्ट है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे MBA वगैरह का सब कुछ दिया गया, तो आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, 6 पेज की PDF, पूरा PDF बताऊँगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए आपको PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा। और अगर कोई डाउट हम उससे पूछ सकते हैं, फिर आपके मन में एक डाउट और होगा कि आखिर IIT ने तो जारी कर दिया, अब ये IIT के लिए केवल है, लेकिन आखिर AKTU भी जारी करेगा कि नहीं करेगा, यानी AKTU कब जारी करेगा और AKTU एग्जाम्स कब। देखिए, जो AKTU का स्टूडेंट है चाहे आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तब जब भी हो, लेकिन AKTU ने अभी कुछ दिन पहले नोटिस शेड्यूल जारी किया था, 25 शेड्यूल में बताया था कि 29 जुलाई से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 29 जुलाई से, लेकिन अभी भी वो फाइनल शेड्यूल नहीं, तो पहले क्या करता है ना, पहले IIT अपना शेड्यूल जारी करता है, उसके 1-2 दिन के बाद AKTU अपना शेड्यूल जारी करेगा। तो आज जैसे आज आई टी का आ गया, सॉरी गाइस, तो आज 15 जुलाई है, IIT ने जारी, तो मान लीजिए कि 16 या 17 जुलाई को अब AKTU भी अपना शेड्यूल जारी कर देगा। तो इसलिए मान चलिए 1-2 दिन पहले आसपास में जो है शेड्यूल आ जाएगा, और आपका एग्ज़ाम 29 जुलाई से था लेकिन अभी भी उसमें कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो आप लोग हो सकता है 30 वही 30 जुलाई जैसे IIT का वैसे AKTU का भी हो सकता है 30 जुलाई या 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। बहरहाल नोटिस आएगी तो मैं आपको टाइम टेबल आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, और अगर कोई अदर अपडेट आती तो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और बाकी हमारा ट्विटर टेलीग्राम से कुछ फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी।